क्या? हमारे नए घर का पता। समझा, बड़ी चालाक हो तुम। क्यों? असली नाम तो है गोरखपुर, गोरखपुर चालू नाम है। तुम संयुक्ताक्षर से डरती हो तो लो। इश, मुझे संयुक्ताक्षर लिखना आता है। ये देखिए, ये किसने लिखा है? तुम हमेशा संयुक्ताक्षर लिखना टाल देती हो, मैंने देखा है। लक्ष्मण को लक्ष्मण बोलती हो, लक्ष्मी को लक्ष्मी बोलती हो। वही तो नाम है उनका। लक्ष्मण पुकारने से जवाब ही नहीं देते। बुला कर देखिए। गलत नाम से बुलाने पर क्यों जवाब देगा? जब भी देखो उछल कूद करता रहता है, उसे हनुमान बुला कर देखना, जरूर जवाब देगा। कुछ भी कहते हैं, वही उछल उछल कर जाता है और आपके लिए स्टेशन से बंगाली अखबार लेकर आता है। मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम पढ़ सको इसीलिए लाता है। और तुम तो अखबार छूती भी नहीं हो, सीधा मुखर्जी के घर भेज देती हो। मुखर्जी चाचा को तो बंगाली अखबार नहीं मिलता, थोड़ा पढ़ लेते हैं। वो अखबार पढ़ के मुझे क्या मिलने वाला है? देश विदेश की खबरें मिलेंगी। मुझे नहीं चाहिए, आपको तो सब मालूम है, आप ही बता देना। मैं क्या जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा? अच्छा इधर आओ, जलेबी खा लो। आओ। जलेबी नहीं, जलेबी। बेटा जो भी हो, हेम अब पहले से बेहतर है, पर उसे थोड़ी मानसिक विश्राम की जरूरत है। डॉक्टर के कहने पर कुछ दिनों के लिए हम काशी आए हैं। जब तक मेरा शारीरिक और हेम का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, हमने यही रहने का निर्णय लिया है। आशा करता हूँ तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है। अपना ख्याल रखना, मेरा आशीर्वाद लेना। बाबा। कमला, कमला, आपने बुलाया? तुम खेलना चाहती हो उनके साथ? वो बुलाते हैं। मायके में खेला करती थी तुम? ना, मामी अकेली पड़ जाती तो उनका हाथ बटाना पड़ता था। मामा मामी से मिलना चाहती हो? जाओगी? नहीं जाना? अब आप मुझे मामा मामी के पास भेज देंगे? भेजूंगा क्यों, मैं खुद साथ चलूंगा। यहाँ दुर्गा पूजा की छुट्टी तो नहीं मिलती है,
पर दिवाली में कोर्ट बंद रहता है। मौसी, मौसी, आपकी नथनी। देखो तो, मैंने तो इसे खो ही दिया था। तुम्हें गहने पसंद है, खरीदने चलोगी? कुछ तो चाहिए होगा तुम्हें, बोलो क्या चाहिए। आप मुझे कहीं और तो नहीं भेज देंगे? ना, नहीं भेजूंगा। क्या पुरानी खांसी है? इस बार दवाई ठीक से नहीं लोगी ना तो मार खाओगी। जाओ, ये खांसी बहुत पुरानी है ना? हाँ जी। इलाज नहीं करवाया? नहीं, मतलब दवाई ले रहा हूँ। दवा मतलब? पापा खुद ही अपना इलाज करते हैं। एक होम्योपैथी का बक्सा है, वही है उनका कंपाउंडर। आप अपने कंपाउंडर को कुछ दिन छुट्टी दीजिए, काशी में आया है, थोड़ा घूमने दीजिए, सारनाथ वगैरह ज़रा घूमे। और आप ये दवाई लेते रहिए कुछ दिन, बीच में मैं खबर लेता रहूँगा। लीजिए। कहाँ रुके हैं? कोधुलिया के पास, मेरे एक दोस्त का घर है वहाँ, वहीं पर। वो जो पहली दाहिनी वाली गली है ना, वहीं पर। ओ, अन्नपूर्णा विला, मैं जानता हूँ उन्हें। और आप? मैं भी यहीं रहता हूँ, क्या जानना है? मैं डॉक्टर हूँ भी या नहीं? नमस्कार, मिलते हैं। बाबा, डॉक्टर तो पूरी उपनिषद जानते हैं। कमला, खाना लगा दो, मुझे अभी निकलना है। कमला, 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 लक्ष्मी, इतना तेज बुखार और मुझे बताया भी नहीं। अरे हिलो मत, दिखा। उरी पावा, 102 डिग्री। हाथ लगाते ही मुझे पता चल गया था। लगा ना चटका। आज बिल्कुल नहीं हिलोगी यहां से, ध्यान रखना ये ना उठे। मैं आज जल्दी छुट्टी लेकर घर आ जाऊंगा, आते समय डॉक्टर से मिलते हुए आऊंगा और दवाई भी ले आऊंगा। आप इतना सोचते हैं मेरे लिए? स्कूल क्यों भेज दिया था मुझे? चलो खा लो। मैं रसोई तक जा नहीं पाऊंगी। ठीक है, कहीं मत जाओ, मैं कुछ लाती हूँ। बिस्तर पे ही खाऊं? कुछ नहीं होगा। उन्हें और कोई नहीं मिला क्या चौकीदारी के लिए? एक पुराना अखबार लेकर आना।